वेलकम बैक एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आ गया हूँ एक और वायरल भी एफएक्स वीडियो का ट्यूटोरियल को लेकर। दोस्तों जो आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं ना, इस तरह की वीडियो एडिट करके किसी भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो ऐसे वीडियो दोस्तों 100% वायरल होने का चांसेस बढ़ जाता है। दोस्तों इस वीडियो को एडिट करने के लिए एक एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगी जो है काइन मास्टर। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, दोस्तों स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों मैं आप लोग को एकदम आसान ट्रिक से इस वीडियो को एडिट करना सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों अपना काइन मास्टर ओपन कीजिए, वहाँ पर चल के आगे का प्रोसेस जान लेते हैं। दोस्तों हमारा काइन मास्टर ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए दोस्तों प्लस का आइकन है, इसको सेलेक्ट कीजिए। 9:16 का दोस्तों फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को वीडियो दिखा देता हूँ, कुछ ही तरह से आप लोग वीडियो शूट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो के फर्स्ट पोजीशन पे आ जाइए। दोस्तों जहाँ पे आप जंप कर रहे हैं ना, देखिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए वीडियो पे क्लिक कीजिए, ऊपर कैंची का ऑप्शन इसे सेलेक्ट कीजिए, स्प्लिट एप्लाई कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा आगे स्लाइड कीजिए, स्प्लिट एप्लाई कर दीजिए। दोस्तों जो एक खाली बैकग्राउंड है ना, कुछ इस तरह से उंगली फिंगर रख के उसको स्लाइड करके बीच में रख दीजिए, कुछ इस तरह से देख लीजिए। दोस्तों खाली बैकग्राउंड को यहाँ तक माइनस कर दीजिए। दोस्तों वीडियो के फर्स्ट पोजीशन पे आ जाइए। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कैप्चर लेनी है। कैप्चर लेने के लिए देखिए दोस्तों शेयर के ऊपर एक कैप्चर का ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक कीजिए, कैप्चर एंड सेव पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों जो अभी आपने कैप्चर लिया ना, दोस्तों इसको पिक्सआर्ट से इरेज कर लीजिएगा, या तो दोस्तों बैकग्राउंड इरेज से कर लीजिएगा। दोस्तों मैं पहले से इरेज करके रख लिया हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों इरेज फोटो को ऐड कर लेते हैं। लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडिया में जाके दोस्तों इरेज फोटो को सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों इरेज फोटो को कुछ ही तरह से अच्छे से मैच कर दीजिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए दोस्तों कि इरेज फोटो है, देख लीजिए कुछ ही तरह से अच्छे से उसके ऊपर मैच कर दीजिए। दोस्तों इरेज फोटो को हम यहीं तक रखेंगे। अगेन दोस्तों इरेज फोटो पे क्लिक कीजिए, ओवरले एनिमेशन पे दोस्तों क्लिक कीजिए, स्लाइड करके दोस्तों नीचे आ जाइए। यहाँ पे देखिए दोस्तों काउंटर क्लॉक वाइज पे क्लिक कर दीजिए। अगेन दोस्तों वीडियो को सेलेक्ट करके यहाँ पे आ जाइए, लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडिया में जाके दोस्तों स्काई वाला वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों स्काई वाला वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। तो पीछे का पार्ट है दोस्तों, एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे कटिंग करने के लिए ऊपर देखिए कैंची का ऑप्शन इसे सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम टू राइट ऑफ फ्लैट कर दीजिए। अगेन दोस्तों लेयर वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए, क्रोमा की के नीचे देखिए दोस्तों ब्लेंडिंग का ऑप्शन इस पर सेलेक्ट कीजिए, हार्ड लाइट को दोस्तों ऑन कर दीजिए। अगेन दोस्तों जो बीच वाला जो बैकग्राउंड वाला वीडियो है ना, उस पर क्लिक कीजिए, डिलीट के नीचे देखिए दोस्तों थ्री डॉट का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, डुप्लीकेट एस लेयर पे क्लिक कर दीजिए। अगेन दोस्तों डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कीजिए, कैची के बगल में देखिए एक डब्बा है ना दोस्तों, इस पर क्लिक कीजिए, दोस्तों वीडियो को यहाँ से फुल स्क्रीन कर लीजिए। अगेन दोस्तों यहाँ पे देखिए क्रोमा की का ऑप्शन पे सेलेक्ट कीजिए, दोस्तों यहाँ से जो आपका स्काई का कलर है दोस्तों इसको सेलेक्ट कर लीजिए, दोस्तों यहाँ से एनेबल कर दीजिए। दोस्तों ये दोनों पॉइंट को आगे पीछे कुछ इस तरह से करके अच्छे से कलर को मैच कर लीजिए ताकि अपना स्काई का कलर अच्छे से रिमूव हो जाए। अगेन दोस्तों इरेज वाले फोटो पे क्लिक कीजिए, डिलीट के नीचे देखिए दोस्तों थ्री डॉट का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ब्रिंग टू फ्रंट कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी जो इरेज फोटो है ना ऊपर आ जाएगी। अगेन दोस्तों लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाके दोस्तों लाइट वाले वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों लाइट वाले वीडियो को कुछ इस तरह से रोटेट करके जूम करके फ्रेम के बराबर कर दीजिए। अगेन दोस्तों यहाँ पे देखिए क्रोमा के नीचे दोस्तों ब्लेंडिंग का ऑप्शन इसे सेलेक्ट कीजिए, स्क्रीन को दोस्तों ऑन कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। तो वीडियो को कटिंग करने के लिए देखिए दोस्तों ऊपर कैंची का ऑप्शन इसे सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम टू राइट ऑफ फ्लैट कर दीजिए। अगेन दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग पोजिशन पर आ जाइए। दोस्तों वीडियो में म्यूजिक ऐड करने के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑडियो का ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, दोस्तों म्यूजिक को यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। दोस्तों हमारी वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। एक बार आप लोगों को वीडियो प्ले करके दिखा देता हूं, देख लीजिए अपनी वीडियो कैसी एडिट हुई है। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ऐसे ट्रेंडिंग VFX वीडियो का ट्यूटोरियल डेली लेके आता रहता हूँ। दोस्तों वीडियो को गैलरी में सेव और शेयर करने के लिए यहाँ पे देखिए शेयर का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, जो भी आप क्वालिटी में चाहते हैं सेलेक्ट कीजिए, वीडियो को दोस्तों यहाँ से एक्सपोर्ट कर दीजिए।